गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछला जो वीडियो था वो रॉन्ग सेटिंग का कॉलेट का था। ठीक है, कॉलेट बनाया था राउंड में रॉन्ग सेटिंग का। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो है ओवल का, फैसेटेड स्टोन। पहले आप फैसेटेड समझ लीजिए, उसके बाद मैं कैप समझाऊंगा। तो फैसेटेड स्टोन का ओवल में, ठीक है, सबसे पहले मिस्क में जाके ओवल स्टोन बनाएंगे। ज्वेल लिया, ज्वेल में 1 mm का डिफॉल्ट लेना है, 1 mm का स्टोन लिया और इसको डिफॉर्म ट्रांसफॉर्म बार से साइज करेंगे, ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट है। अभी मैं इसको, ये 3-5 का है तो मैं अभी इसको 4-6 करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, और इसकी यहाँ पे चौड़ाई, ये लंबाई और यहाँ पे डालेंगे हाइट। तो इन दोनों को जोड़ देना है, लेंथ और विड्थ को जोड़ देना है। तो ये 10 हो गए, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 5। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 का 60% अपने को यहाँ पे लिखना है। तो ये हो गया 3 mm, 3 mm इसकी हाइट हो गई। और थोड़ा सा इसको साइज और कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है। तो अभी साइज अपन ने इसको कर लिया 3 mm इसकी, ये हो गया, ये बराबर अपना ओवल स्टोन बन चुका है। ठीक है, ये राउंड से बनता है। तो ज्वेल में जाके पहले राउंड लेते हैं और 1 mm का लेते हैं और फिर उसके बाद में साइज कर लेते हैं। तो अभी सेम सर्कल भी 1 mm का लेंगे 12 CV के साथ, और कुछ नहीं, कंट्रोल टी और एंटर, और ऑफसेट मारा 0.1 का। ठीक है, ये बाहर का ऑफसेट आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो नहीं भी लगा सकते। ठीक है, क्योंकि इसकी ये नेसेसरी नहीं है, मैं अक्सर करता हूँ क्योंकि वो प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। हल्का सा इसको बाहर से देते हैं, मैं यहीं से बता देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा मैटर नहीं करती ये चीज़। 0.8 का मैं थिकनेस ले रहा हूँ, 0.7 का थिकनेस लिया। और अब मैं इस पर सेक्शन चलाऊंगा, तो वो मैंने डेटाबेस में रखा हुआ है। ये हमारा डेटाबेस जो बना हुआ था, इसमें रॉकेट डेटाबेस में मैंने चैम्फर वाला क्रॉस सेक्शन रखा हुआ है। अब सिंपली इसमें रेल सरफेस, ये वाला रेल सरफेस, सेमी स्केल, ओके, लेफ्ट रेल, राइट रेल और सेम सेक्शन, और ये अपना कॉलेट बन गया। अब इसकी हाइट जो है, इस हिसाब से हाइट दे देते हैं। इसे ऊपर ला के रख दिया, देखिए अगर मैं इसको नीचे बैठाऊँ तो यहाँ आके रुक जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। और अब मैं इसको ऊपर उठा के 0.5 ऊपर उठा देता हूँ, और कॉलेट को नीचे के सीवी पकड़ के नीचे जस्ट टच करवा दे। ठीक है, कॉलेट बन गया। अभी ये जो सीवी है, शो सीवी करेंगे तो सीवी आते हैं, और ऐसे करते हैं, इसके शो सीवी करते हैं तो नंबर्स आते हैं। नंबर जो है कर्व पे आएंगे, सरफेस पे नंबर नहीं आके ये डॉट आते हैं। इन्हीं को पकड़ना होता है शिफ्ट के साथ में, सेलेक्ट किया। अभी ये सीधा वाला कॉलेट बन गया। ठीक है, इसकी एक मैं कॉपी रख लेता हूँ हाइड करके, सीधा बन गया। अब इसको टेपर वाला बनाएंगे, साइज़ नीचे का सीवी पकड़े और साइज़ कर दिया, ये टेपर और ये टेपर, दोनों साइड से टेपर हो गया। और अब डेटाबेस में जाके प्रोंग लेंगे, ये नीचे देखिए प्रोंग लिखा हुआ है, ये वाला प्रोंग लिया। प्रोंग के साइज़ 0.7 की करेंगे, 0.7, ये उसी ट्रांसफॉर्म बार से ही होगा, बस साइज़ पे डबल क्लिक, क्योंकि साइज़ का विंडो चालू रहे इसलिए साइज़ पे किया और ओके, और चेक किया ये 0.7 का है। और यहाँ से इसको मूव करवा लेते हैं, मूव करवा के यहाँ रख दिया। बस ओवल का प्लेसमेंट ऐसे रखना होता है। फिर इसके सीवी ऑन किए, यहाँ पे टेबल पे टच कराया और सीधा
एक अब हम ऊपर उठा दिए और थोड़ा सा बाहर की साइड निकाला और पूरे सीवी पकड़ के अंदर। एक सेकेंड, पूरे से भी पकड़ के बैक से मैंने अंदर कर दिया। भी और थोड़ा सा इसको बाहर के साइड में निकाल सकते हैं, ज़्यादा इंसर्ट हो रहा है, इतना चलेगा, इतना ठीक। और इसकी चार कॉपी, साइकिल कॉपी चार कॉपी हो गई। ये वो अपना कॉलेट बन गया, बट ये अभी जाली वाला नहीं है। तो एक तो स्टाइल में ये है, इसको मैं आगे कर देता हूँ, ये कंप्लीट हो गया। तो मूव में डबल क्लिक किया और फाइव मूव पे फाइव करके मैंने इसको आगे कर दिया और सिंपल इसमें कट मार देंगे। सेलेक्ट किया, कट लगाएंगे 0.7 का, 0.7 से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं, ठीक है। और ये सरफेस प्रोंग्स छोड़ देते हैं, बाकी कट कर देंगे। सेलेक्ट किया और ये सब्ट्रैक्ट और कॉलेट पे क्लिक किया। अब अपना कॉलेट कटेगा, प्रोंग नहीं। दूसरा तरीका ये हो गया। और अभी अपन इसको, ये जो प्लेन था इस प्लेन पे भी प्रोंग लगा लेते हैं। ये 0.7 का लगाना है तो 0.7 पे जाके क्लिक किया। और ये तीनों स्टाइल मैं आपको बता देता हूँ, जो भी ज़रूरत पड़े, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़े वैसा कॉलेट लगाना है। और इसकी भी चार कॉपी हो गई, ये मैंने आगे बढ़ा दी, ये वापस मैं फाइव मूव कर देता हूँ। अभी देखिए तीनों स्टाइल में ये भी बन गया, ठीक है। तो आज का टॉपिक सिर्फ यही है, रॉन्ग सेटिंग का, ओवल का स्टोन कैसे बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा, ये मैं थंबनेल के लिए इसको एक इमेज बना रहा हूँ। इसमें इमेज अपने आप बनता है, ये देखिए। ये इतना होने के बाद में मैं मिस्क में जाके रेंडर फाइल, रेंडर टू फाइल पर क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट या बीएमपी किसी में भी सेव कर सकता हूँ। मैं जेपीजी में कर रहा हूँ और ओवल कॉलेक्ट कर देता हूँ। ओवल कॉलेक्ट इन प्रॉन, ठीक है। और फाइल सेव कर दी। कलर मैंने यहाँ बैकग्राउंड का चेंज ही कर दिया, जो भी बैकग्राउंड का कलर चाहिए। और यहाँ पे जो ये है रेट रेजोल्यूशन, जो कितना अपने को चाहिए, मैंने 1200x1600 किया है। ओके, अब इमेज अपनी बन जाएगी इस तरह से। ओके, तो ये कंप्लीट अपना इमेज बन के रेडी है और कॉलेट इस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।